हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पीसी में कोई भी डाटा को पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपके पीसी में लैपटॉप या कंप्यूटर जो कुछ भी हो उसमें है, उसे आपको अगर पेन ड्राइव में करना है सिर्फ, तो मैं उसका आपको पूरा रियल और जेन्युइन तरीका बताऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले आपको अपने पीसी को 2-3 टाइम रिफ्रेश करना है। देन गाइस, आपको जाना है कंप्यूटर पर। ये मैंने ओपन कर लिया। यहां पर जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली कोई भी फाइल जो आपको यहां से लेनी है, जैसे मैं कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मुझे ये वाली वीडियो, इस वीडियो को मुझे ट्रांसफर करना है, तो मैं अगर इस वीडियो को करूंगा यहां से, देखिए मैंने जैसे राइट क्लिक किया, आप देख सकते हैं कट कॉपी कई ऑप्शन आ जाते हैं, आप कट कर देंगे तो यहां से रिमूव हो जाएगी, कॉपी भी कर सकते हैं। मैं कट कर लेता हूँ, कट कर ली। देन गाइस, आपको अगेन लेफ्ट साइड कंप्यूटर पर क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में ये आ रहा है कंप्यूटर, इसमें क्लिक कर देना है ना। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको इंसर्ट करनी है एसडी कार्ड या पेन ड्राइव को। मैं करता हूँ। गाइस देखिए, ये मैंने इंसर्ट कर दी, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, ये लिखा हुआ है रिमूवेबल डिस्क, या इंसर्ट हो गई है। अब आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे हम तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ डाटा मेरा प्रेजेंट है पहले से। अब आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ये पेस्ट का आइकन आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फाइल ट्रांसफर हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आप ये यहाँ पर बैक हम आ जाएंगे और आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे रिमूव कर दूंगा तो ये हमारे पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पीसी के डाटा को पेन ड्राइव या एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं सक्सेसफुली और सिक्योरली। ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का, बगल वाले बेल आएगा और टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। गाइस, अगर आपको किसी और चीज में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।